गुरु चतुर्नाम वपुए इनके पद वंदन किए नासै विघ्न हरे मंगल आदि विचारि रह वस्तु नयोर अनु हरिजन को यश गावते हरिजन मंगल रूप संतन मत निर्णय कियो श्रुति पुराण इतिहास तुम श्रोताया मालिके तव पद रज ममुआस तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं इनके सकल मनोरथ पूर्वं श्री भगवान राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे के बिहारी लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की श्री गिरिंद्र बिहारी सरकार की सब संत भगवान की श्री वृंदावन धाम की श्री अमनारस रानी की अनंत कोटि वैष्णो की जय जय श्री राम निदाय गौर हरि प्रातः स्मरणी परम वंदनी श्री नावादास जी महाराज ने परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल जी में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। पूर्व प्रसंग में आप गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के परम पावन चरित्र में अपने चित्त को अवगाहन करा रहे थे। एक छप्पे में नाभा गोस्वामी जी महाराज श्री नामदेव जी महाराज का चरित्र सुमिलन करते हुए वर्णन करते हैं। नामदेव प्रतिज्ञा निर्बहि जो त्रेता नर हरिदास की बाल दशा बिथल्य पानी जाके पय पियो मृतक गऊ जीवाय
परचो असुरन को दियो सेज सलिल ते काड़ी पहिल जैसी ही होती देवल उलट्यो देख सकुच रहे सब ही सोती पंडरनाथ कृत अनोग ज्यों त्यों छानी सुकर छाई घास की नाम देव प्रतिज्ञा निर्वही जो त्रेता नर हरिदास की त्रेता नर हरिदास की श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज कहते हैं नामदेव महाराष्ट्र में हुए पंडरपुर जहां विराजमान है पंडरीनाथ विट्ठल भगवान तो कह रहे हैं नाभा गोस्वामी जी भगवान सदा अपने भक्तों के लिए लालायित रहते हैं किस लिए कि भक्त कोई मुझे सेवा बता दे कोई सेवा मिल जाए मेरे को बार बार ये प्रार्थना करते हैं भक्त कहते हैं कि हमको ठाकुर की सेवा मिल जाए और भगवान कहते हैं हमको सेवा मिल जाए कोई भक्त की ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान सदैव भजाम्य हम जो भक्त मुझको जिस प्रकार भजता है मैं भी उसको उसी प्रकार भजता हूँ भगवान कहते हैं नाभा जी सुमरण कर रहे हैं नाम देव प्रतिज्ञा निर्वही जो त्रेता नरहरी दास की नरहरी दास से तात्पर्य है नरसिंह भगवान के दास अर्थात श्री प्रहलाद जी जैसे प्रहलाद जी की प्रतिज्ञा को ठाकुर ने पूर्ण किया ऐसे ही श्री नामदेव जी की प्रतिज्ञा को ठाकुर ने पूर्ण किया प्रहलाद जी ने कह दिया कि हाँ इस खम्भे में भी भगवान है तो भगवान है तो कड़कड़ में लेकिन उस खम्भे में नहीं थे लेकिन भक्त की प्रतिज्ञा को भक्त की बात को रखने के लिए ठाकुर उसमें से प्रकट भगवान की सबसे बड़ी विशेषता ये है और स्वयं उसको आचरण करके दिखाते हैं कि ऐसा करोगे तो कितना बड़ा लाभ होगा इतनी बड़ी पूजा में यज्ञ में भगवान ने क्या सेवा ली सब बांटने के बाद जिसको हम छोटा समझते हैं वे संतों की भक्तों की वैष्णवों की पत्तल हम उठाएंगे कौन उठाना चाहेगा कहे जूठा कौन उठाए एक पल के लिए अगर कोई कहे कि आसन बिछा दो तो मैं सोच भी लेंगे चलो आसन बिछा दो ठीक है एक पल के लिए कोई कहे परोस दो तो भी ठीक है चलो परोस देंगे लेकिन वो पाके उठ जाए और हम उसकी पत्तल उठाएं तो अहंकार बोलता है यार इतने गिरे तो नहीं है अपनी अपनी पत्थर उठा के ले जाओ इतने गिरे तो नहीं है यहां कहते हैं मूल को पाना है तो धूल में मिलना पड़ेगा इतने बड़े आंधी तूफान आते हैं बड़े बड़े वृक्ष
सब गल जाते हैं, लेकिन घास घास वैसे का वैसा रहता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए कहा गोस्वामी जी ने, तुलसी लघुता बड़े निकी, यही बड़े निकी बात, छोटे बछड़ा पय पियत है, बड़े होत घुस खा। छोटे बछड़ों को खूब दूध पीने को मिलता है, और बड़े हो जाओ तो बोले भूसा खाओ। छोटे रहेंगे सब प्यार करेंगे, बड़े रहेंगे तो अब तो बड़ा हो गया, आप प्यार करने की जरूरत नहीं, आप तो समझदार हो गया है। तो भगवान ने दिखाया आचरण करके कि पत्तल हम उठाएंगे और संतों के चरणों में हम उतारेंगे। भगवान कहते हैं अगर ऐसा करोगे तो मेरे समान बन जाओगे। हरि सुजस प्रीत हरिदास के, त्यों भावे हरिदास जस। भगवान को अपने भक्तों का यश बहुत प्यारा लगता है, त्यों भावे हरिदास जस। भक्तों के चरित्र सुनाने में ठाकुर बहुत प्रसन्न होते हैं। तो कह रहे हैं कैसे हुए श्री रामदेव जी, बाल दशा भी थल्य पानी जाके पय पियो। कहते हैं बाल दशा भी थल्य, कहते हैं बचपन में ही 5 वर्ष की अवस्था में ही जिन्होंने श्री विट्ठल भगवान को अपने हाथों के द्वारा दूध पिलाया, ऐसे श्री नामदेव जी। बाल दशा विठल पानी जाके पय पियो, और मृतक गऊ जीवाय परिचय असुरन को दियो। मरी हुई गाय को जो बछिया को जुआ दिया, बादशाह के दरबार में बादशाह ने बछिया काट दी गर्दन से, और इसको जिंदा करो तब जा पाओगे नहीं तो जेल में डाल देंगे। आपने उठा के धड़ को जोड़ा और कहा जय जय, बोले के कृपा करो सरकार, अगर इसकी आयु पूरी हो गई हो तो मेरी में से थोड़ी आयु इसको दे दो, इसको जिंदा कर दीजिए बच्चिया को। सुन विनती जगदीश हमारी, तो महाराज कृपा करके ठाकुर ने उनको जीवित कर दिया। तो मृतक गऊ जीवाय परचो असुरन को दियो, सेज सलिलते काड़ी पहिल जैसी ही होती। क्या कहते हैं, मणि में सेज को चंद्रभागा नदी में फेंक दिया, और बादशाह ने कहा कि हमको ऐसी और बनवानी है, एक बार नमूना दिखा दो। तो इतने उंगली के इशारे से पलंग के ढेर लगा दिए उसी नदी में से निकाल निकाल के, बोले छांटो तुम्हारी कौन सी है। सेज सलिलते काड़ी पहिल जैसी ही होती, देवल उलट्यो देख सपुच रहे सब ही सोती। बोले विठल भगवान ने नामा के लिए पूरे मंदिर का दरवाजा ही घुमा दिया, पूरब की था और पूरब की ओर दरवाजा, और जाके बैठ गए नामदेव जी भीड़ के मारे गुस्से में पीछे मंदिर के, और ठाकुर ने मंदिर का दरवाजा उनकी तरफ कर दिया, घुमा दिया पूरा। सब कुछ रहे सब ही सोती, जितने
सेवक थे, पुजारी थे, वो सबमुच संकुचित हो गए एकदम कि भगवान ने इनके लिए क्या कर दिया। और पंडरनाथ कृत अनोग ज्यो, आहा देखो ठाकुर क्या है, श्री नाभाजी के शब्दों को देखिए, पंडरनाथ कृत अनोग ज्यो, जैसे सेवक अपने मालिक के लिए कार्य करता है, ऐसे ही श्री विठल भगवान रुक्मणी जी के साथ नामदेव जी की छप्पर छा रहे हैं। चल के कहते हैं ठाकुर जी, अरे ला थोड़ा हथौड़ी पकड़ाना, नीचे से घास पकड़ा रही हैं और हथौड़ी पकड़ा रही हैं और ऊपर ठाकुर ठोक रहे हैं। गरुण जी से कहते हैं, गरुण जी अरे बांस लाओ, थोड़ा बांस लगा दो, तो गरुण जी बांस देते हैं, बोले हमने जलाई है तो हम ही बनाएंगे और ऐसी जोरदार बनाते हैं महाराज कि सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। सवेरे पूछते हैं कैसे बनाया, हमको ही बनवाना है। बोले एक उपाय है इसको बनवाने का, बोले क्या, बोले अपने हाथों से अपने घर में पहले आग लगा दो और फिर जो कुछ सामान बचा हुआ है ऊपर से उसमें डाल दो और बैठ जाओ तो सुबह बन जाएगा। मूर्ख हो गया है, पागल हो गया है। तो पंडरनाथ कृत अनोग ज्यो त्यो, छानी सुकर छाई घास की, ऐसी सुंदर घास की छप्पर छाई, आठ आठ तीरी लगा, मतलब आठ बांस लगे हैं, फिर डिजाइन है, फिर आठ बांस लगे हैं, फिर डिजाइन है, फिर आठ बांस लगे, फिर डिजाइन है। ऐसे ठाकुर ने कारीगरी दिखाई महाराज, आश्चर्य करने के जितने देखने वाले, एक बात है ऐसा लगता है गिन गिन के लगाया है क्या। और ठाकुर जो करते हैं नंबर वन का करते हैं, टू का नहीं करते, दो नंबर का नहीं करते हैं, जो भी कार्य करते हैं एक नंबर का करते हैं ठाकुर, चाहे वो संसेवा करवा लो, चाहे वो किसी की, यहाँ तक कि घोड़े की नाल तक ठोकी महाराज। त्योला भक्त थे, बड़े साधु सेवा करते थे और साधु सेवा में निमग्न हो गए और राजा ने बुलाया अपने घोड़े के नाल में, घोड़े के पैर में नाल ठोकने के लिए, वो साधु सेवा में लग गए। अब ठाकुर जी ने विचार किया, राजा की बुद्धि तो ऐसी होती है, एक मिनट में छड़े रुष्टम छड़े तुष्टम, एक बार प्रसन्न हो जाए एक बार नाराज हो जाए, बोले नाराज हो गया तो उसको फांसी चढ़ा देगा तो मैं ही चलता हूं। तो ठाकुर जी स्वयं कंधे पे एक झोली टांग के, उसमें नाल है और कील है और छोटी हथौड़ी है और भी सामान भरेंगे उसमें, झूला टांग के और मैली पुरानी धोती पहने हुए हैं घुटने घुटने तक और ऊपर पहने हुए हैं कुर्ता पहने हुए हैं ऊपर और सिर पे पकड़े एक साफी बांध रखी है और महाराज सीधे चले आ रहे हैं राजा के घोड़साल में। जल्दी ठोको, अभी ठोकता हूँ माई बाप, अभी पांच मिनट में करता हूँ। घोड़े को लिटाया, घोड़े के पैर को बांधा और फिर ठाकुर जी ने नाल निकाल के उसके घोड़े के पुरानी वाली नाल निकाली पहले जो घिस गई थी, वो नाल निकाल के फिर नई वाली नाल ठाकुर ने ठोकी मारा और जब खड़ा किया तो बोले घोड़े को चला के देखो, और घोड़ा महाराज बिजली के समान भागे। बोले राजा ने कहा नाल तो बहुत ठोके आपने, इस बार कुछ विशेष नाल ठोका है क्या, इस बार घोड़े बड़ी फुर्ती है, बस माई बाप सब आपका आशीर्वाद है। अच्छा ठीक है, इनाम दो इसको, इनाम दिया और चल दी ठाकुर। अब उनको याद आई, अरे नाल ठोकने जाना था, तो जल्दी से सामान उठाया, उठा के भागे। तो राजा कहता है कैसे आए, माई बाप नाल ठोकने आया हूं, नाल ठोकने आया हूं, नाल तो आपने ठोक दी,
नहीं भाई, वो आपका तो साधु सेवा में लगा हुआ था, मैं भी भूल गया, क्षमा करो, गलती हो गई। अब उसको समझ में आया राजा को, अरे वो तो कोई दूसरा ही लीला था ना, उसको ठोके तो मधुम ही आए, पूछो सबसे, सबसे पूछा तो जब पता लगा कि हाँ आए थे ठोके, अब रोने लगे त्योला जी, प्रभु मैं नहीं था, मेरे नाथ आए थे। अब राजा ने हाथ जोड़ के कहा आपके लिए ठाकुर आए, बोले आज के बाद आप ये काम छोड़ दो, आप साधु सेवा करें, मेरे को जब दर्शन करना होगा मैं आपके पास आऊंगा, आप मत आए। तो कहते हैं ये तो इतना कहते हैं बेके तो बिक जाऊं, हूं भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। तो महाराज कह रहे हैं पंडरनाथ कृत अनुग ज्यो त्यों झानी सुकल छाई घास की, नामदेव प्रतिज्ञा निर्वही ज्यो त्रेता नरहरि दास की। अब इनके चरित्र का वर्णन करते हैं प्रियादास जी महाराज। छिपा बाम देव हरिदेव जू को भक्त बड़ो, ताकि एक बेटी, ताकि एक बेटी पति हीन भई जानिए। दक्षिण में हैदराबाद के नरसी ब्राह्मण ग्राम में कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा रविवार पावन दिवस मनाया जाता है वहां, श्री नामा का, नामदेव जी का प्राकट्य दिवस। कह रहे हैं वामदेव जी महाराज हुए, इनकी बेटी गोराबाई, गोराई भी कहते थे इनको, ये छिपा जाति के थे। हमारे भक्तमाल जी की विशेषता ये किसी की जाति को छुपाते नहीं, जो जिस जाति का है, अगर वो जाट है तो जाट, यदि चमार है तो चमार, यदि मुसलमान है तो मुसलमान, यदि वो ब्राह्मण है तो ब्राह्मण, यदि वैश्य है तो वैश्य, किसी जाति को छुपाया नहीं। क्यों? बोले ये इसमें दिखाया है कि भक्ति का अधिकार सबको है। पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर को, सर्व भाव भजी कपट तजी, मोहि परम प्रिय सो। मुझे सबसे ज्यादा प्यारा है जो कपट त्याग के मेरी भक्ति करता है, चाहे कोई सा भी हो, कोई सी जाति। धन्ना जी जाट थे, रैदास जी चमार थे, कबीर जी मुसलमान कुल में पालन पोषण हुआ, श्री धन्ना जी, श्री पीपा जी क्षत्रिय वंश से, आमेर नरेश पृथ्वीराज क्षत्रिय वंश से, हरदास तुलाधार जी वैश्य कुल से, सभी भक्त हुए हैं भक्तमाल में। और ये दिखाया
कि भगवान मिलते हैं भक्ति से, ना कि अन्य कर्मकांड आदि से। इससे हृदय और पाषाण का हो जाता है। भक्ति से हृदय सरस बनता है और कर्मकांड करते करते हृदय और जो है सुस्त हो जाता है। ऐसा करो, ऐसा नहीं करो, ऐसा करो, ऐसा नहीं करो। तो यहां कह रहे हैं वामदेव जी महाराज भगवान की भक्ति करते और पुत्री इनकी घोड़ाई। तो महाराज वामदेव कन्या घोड़ाई सासु सहेले सखी सुहाई। तो घोड़ाई जो है जब 10 वर्ष की 11 वर्ष की आयु हुई तो वामदेव जी ने उसका विवाह कर दिया। पहले बाल विवाह हो जाते थे 10 वर्ष की 11 वर्ष की, ज्यादा से ज्यादा 12 वर्ष की। मनुस्मृति में वर्णन किया है कि कन्या जो है पिता के यहां रजस्वला ना हो उससे पहले उसका विवाह हो जाना चाहिए। गौना जो है 5 वर्ष बाद करो, 15 वर्ष की अवस्था, 16 वर्ष की अवस्था। ऋषि मुनियों ने जो नियम बनाए हैं ये कुछ सोच विचार के बनाए हैं। अगर हम शास्त्रों का उल्लंघन करते हैं उसका परिणाम कौन भुगतेगा? जो उल्लंघन करते हैं। वहां इसलिए विधान बनाया ऋषि मुनियों ने कि मान लो कि उसकी 12 वर्ष की अवस्था में या 10 वर्ष की अवस्था में किसी लड़के से उसका विवाह संपन्न हो गया तो किसका चिंतन करेगी? उसको पता लग गया कि मेरे पति ये हैं, तो चिंतन किसका करेगी? वो अपने पति का। और उस पुरुष को पता, उस लड़के को पता लग गया कि मेरी पत्नी ये है तो किसका चिंतन करेगा? अपनी। तो अन्य किसी पर स्त्री को देखेगा या क्या वो लड़की पर पुरुष को देखेगी? 100 में 1-2 हो अलग बात है, लेकिन उन दोनों का चिंतन बन गया कि मुझे मेरी घरवाली है तो मैं दूसरी तरफ क्यों देखूं, या मेरे पति हैं तो मैं दूसरी तरफ क्यों देखूं। तो समय से 15 वर्ष की अवस्था, 16 वर्ष की अवस्था में उसका गौना हो गया और अपने ससुराल चली गई। अब जो एक ठाकुर ने जो विधान बनाया है गृहस्थ जीवन का, अगर हम शास्त्रों के अनुरूप चलते हैं तो एक समय होता है जिसमें जब यौवन आता है तो उस समय बिगड़ने का डर ज्यादा रहता है। तब उस समय ये अवस्था होती है 25 तक की, विशेषकर ये 16 से 20 22 तक की। उस समय यदि वो सुधर गया, संभल गया, उसको संग अच्छा मिल गया तो आगे की क्रिया, आगे का रास्ता बिल्कुल साफ हो जाता है। उसको पत्नी मिल गई, उसको पति मिल गए, तो अन्य बताओ चर्चा किसी की अन्य पुरुष की ओर क्यों देखेगी और अन्य स्त्री की ओर क्यों देखेगा? आज ये अवस्था होती कि 30-30 वर्ष की आयु हो गई विवाह नहीं हुआ तो क्या होगा? जिसकी जो एक स्थिति है अर्थात एक समय जब आता है उसमें वो वस्तु मिलेगी नहीं तो क्या होगा? पानी की कोई धार आ रही है, उसको हमने किनारा नहीं किया, रास्ता नहीं दिया, रोक दिया तो क्या होगा? बांध
टूटेगा ही टूटेगा। ऐसे ही अगर हम समय से कोई कार्य कर देते हैं तो मंगल ही मंगल है, अगर ना रोकेंगे तो फिर यह उसका उल्लंघन भी होगा ही होगा। इसलिए इतने व्यभिचार, इतने अत्याचार, इतने सब लूटपाट सब इसीलिए बढ़ रहा है कि समय से सब काम नहीं होते। 30 वर्ष की या 35 वर्ष की अवस्था हो गई, विवाह नहीं हो रहा, कन्या का कर नहीं रहे, महाराज मिल नहीं रहा, नहीं आप प्रयास करें क्यों नहीं मिलेगा। ठाकुर ने निश्चित रूप से सबका विधान सबके साथ लिखा हुआ है, लेकिन ठाकुर ये भी तो कहते थोड़ा सा प्रयास तो करो। बुद्धि दी ठाकुर ने, कह दी कि चुपचाप अकर्मण्य होकर बैठ जाओ, हाँ या तो पूरे बनो काम होगा, पूरे बनो कर आधा नहीं कि बाकी काम तो कर लेंगे, इस काम में ठाकुर जी करेंगे, ऐसा नहीं, या तो पूरे बैठ जाओ, कुछ करना ही नहीं, पूर्ण समर्पण। मरंटर वाले बाबा सुना रहे थे कि हम ट्रेन में आ रहे थे और बोले कि हमारी बड़ी बड़ी चटाई थी साल, और कुछ देखा ही नहीं है, ट्रेन रुक गई है, ट्रेन में आ रहे थे, ट्रेन रुक गई है, तो जाग के पूछा क्या हो रहा है, अरे टीटीआई चेक कर रही है गाड़ी में डिब्बे में किसके पास टिकट है किसके पास नहीं है, जिसके पास नहीं है उसको बाहर निकाल रही है, बोले हमारे पास भी नहीं है, क्या करें, हमको भी धक्का दे के मारेंगे निकालेंगे, बोले जो होगा हम कुछ नहीं बोलेंगे किसी से, हमको मारे पीटे कुछ भी करें जब तक उठा कर फेंक दें तब तक हम यहाँ से जाएंगे, और बैठ गए वहीं, ठाकुर जाने जो कुछ करें मर जाऊंगा लेकिन बोलूंगा नहीं, और बसा बड़ी बड़ी जटाएं थी और जटाओं को आगे डाल लिया मुंह के आगे और बैठ के पद्मासन लगा के। अब बोले सब आ रहे हैं हमारे सामने निकल रहे हैं जा रहे हैं आ रहे हैं, जूतों की आवाज आ रही है खट 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 खट, हम देख रहे हैं लेकिन हमने उठाया नहीं सर, और सब कुछ हो गया, सब चल दिए, सब चले गए और ट्रेन चल दी और हम बह गए, इसने पूछा ही नहीं हमसे, तो हम पूर्ण समर्पण, जो कुछ होगा वो ऊपर वाले देखेंगे, कुछ करेंगे नहीं हम। समर्पण पूरा हो तो कृपा वहां पूरी होती है, लेकिन इतना पूर्ण समर्पण हमारा है नहीं है, थोड़ा सा भी अच्छा काम होता है तो हमने किया है, अरे तुम्हें पता नहीं कितनी मेहनत करी हमने, आपको थोड़ा गड़बड़ हो जाती है, ठाकुर जी हमारे संग ऐसा करते हैं, अरे हमने किसी का क्या बिगाड़ा है, हमने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, फिर भी पता नहीं क्यों आ जाती है हमारे ऊपर ये समस्या।